हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया ब्यूटी एंड ब्लॉग्स। सो आज की वीडियो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करने जा रही हूँ अमेजन हॉल वीडियो। तो इस बार जो मैंने प्रोडक्ट लिए वो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, तो इसमें आपको बहुत अलग अलग प्रोडक्ट दिखने को मिलेंगे। तो इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो गुड वाइब्स का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 30 ml का है और ये रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम है। इसमें आपको 10 ml और 50 ml भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये जो सीरम है ये कुछ इस टाइप का है, तो इसको मैंने यूज़ कर रखा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये हाफ हो चुका है। तो मैंने इसको बहुत पहले से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अभी ये ख़त्म होने वाला है तो मैं और एक इसको ऑर्डर करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये इतना सा, ये 30 ml का है। आपको इससे छोटे वाले में मिल जाएगा जो कि 10 ml का रहेगा, और इससे बड़ा लेना तो आपको 50 ml का भी मिल जाएगा। तो ये जो सीरम है मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, तब ये देख सकते हो। तभी मैं आपको यहाँ पे अपने हाथ में इसको सीरम को लगा के दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो मतलब ये मतलब बिल्कुल भी मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं चिपचिपा जैसा। देखिए ये बहुत अच्छे से स्किन में चला जाता है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट था और इनका प्राइस आप साइट में देख लीजिएगा कितने का है ये। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो मेरी सिस्टर ने लिया है, तो ये उसने ख़रीदा था, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो जो सबसे पहले है वो टी ट्री का स्क्रब है, तो ये जेल फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं न्यू है, अभी तक खोला नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा ये जेल फॉर्म में है, आपको अंदर ऐसे कैप मिल जाएगा, आपको बस इसको निकालना है। और ये देखिए तो ये जेल में स्क्रब है, तो ये आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ये थोड़ा सा क्वांटिटी अपने हाथ में ले लिया है, तो अभी मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा लिया है, तो यहीं पर ही मैं लगा लेती हूँ। बहुत हल्का है, मतलब आप जब भी स्क्रब यूज़ करो तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से स्किन पे मत करना। तो आप इसमें जो पार्टिकल्स देख रहे हो छोटे छोटे से है और बहुत ही ज़्यादा हल्का है ये, तो ये आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि एम कैफेन का है। तो आप लोग को पता होगा कि बीच में एम कैफेन इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि हर कोई बस इसी के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कर रहा था। तो इसमें जो है प्रोडक्ट वो स्क्रब है, तो ये बॉडी स्क्रब है, तो आप देख सकते हो ये पैकेट। आप में से तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप में से तो बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी कर लिया होगा। तो ये एम कैफेन का बॉडी स्क्रब है। इसमें मतलब क्या हुआ था ना, ये मतलब मेरी सिस्टर ने लिया था, तो उसको ना इसके साथ गिफ्ट मिला था, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसको ये पाउच मिला था, आप देख सकते हो ये पोटली छोटा सा, तो यहाँ पे एम कैफेन लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या मिला था उसे। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रब दिखा देती हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये स्क्रब है। तो इसको मैं अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ। स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्योर कॉफ़ी जैसा स्मेल आ रहा है, खाने का मन कर रहा है। तो ये पूरा प्योर मतलब कॉफ़ी का ही स्मेल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ही है एम कैफेन और ये कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है। तो इसका जो स्मेल है ना, जो फ्रेग्रेंस है, वो भी पूरा कॉफ़ी जैसा ही है। तो आप देख सकते हो ये पाउडर बेस में है, देखिए। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि पोटली में क्या मिला था। तो ये देख सकते हो कितना प्यारा सा पोटली है। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसमें अभी ऑफ़र चल रहा है या नहीं, उसको ये मिला था तब ऑफ़र था शायद। इसमें आपको जो दिया है ये स्पून है, ये क्यूट सा स्पून है। आप देखिए यहाँ पे भी एम कैफेन लिखा हुआ है। तो ये पहला स्पून था, ये जो आपका स्क्रब है उसको निकालने के लिए। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर आपको मिला हुआ है ये कॉफ़ी फेस स्क्रब है, तो यहाँ पर आपको फेस स्क्रब भी मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो आपको मिला है यहाँ पे एक छोटू सा एकदम क्यूट सा कंटेनर है। तो ये जो है ये स्काल्प का स्क्रब है, तो ये स्काल्प के लिए है। और फिर जो वो था बॉडी के लिए था, और एक जो है फेस के लिए था। तो ये आपको ट्रायल करने के लिए मिल जाता है। तो यही था जो मेरी सिस्टर ने लिखा था। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। अभी ऑफ़र आता रहता है ना, अगर आप लोग लोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं और फिर कुछ कुछ उसमें आपको ट्रायल करने के लिए भी दिया रहता है। तो आप बस चेक करते रहिएगा। तो मैंने जो लिया था, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, मैंने कलर बार का लिया हुआ है। तो ये जो है ये स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन है, तो ये कलर बार का है। यहाँ पे आपको मैं भी खोल के दिखाती हूँ कि अंदर ये किस टाइप का है। तो ये देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का, और ये जो है ये 30 ml का ही है। तो आप इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, ये भी 30 ml है, ये भी 30 ml है। तो आपको लग रहा होगा कि मतलब ये पूरा भरा हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि इसमें भी सिर्फ 30 ml ही है।
तो आपको बस इसका जो बाहर का कवर है वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको कैसे खोलना है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। आपको बस ये ऐसे घुमाना है, ये ऐसे रहेगा ना, आपको इसको खींचना नहीं है, बस इसको ऐसे घुमाना है तो ये ऊपर से कैप निकल जाएगा। और फिर आपको बस हल्का सा अपने हाथों में लेना है, तो ये देखिए ये अभी आपको ना मतलब यहाँ पे वाइट दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसको लगाते हैं ना तो ये थोड़ा सा पीच में आ जाता है, पीच टाइप के कलर में। तो इसको क्या करते हैं, आप चाहे तो इसको अपने मॉइस्चराइज़र के बाद लगा सकते हो, या फिर आप अपनी फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो। तो ये था जो मैंने लिया था, और जैसे कि मैंने कहा इन सबका प्राइस आपको साइड में दिख ही रहा होगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और इनका प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मैंने जब लिया होता है उसके बाद फिर मैं एक दो हफ्ते बाद इनका वीडियो बनाती हूँ, रिव्यू करती हूँ, क्योंकि बीच में ऑफ़र आने वाला होता है, तो इसलिए मैं फिर रिव्यू कर देती हूँ ताकि आप लोग को इसका जो प्रोडक्ट है वो ऑफ़र में मिल जाए और कम में मिले। तो अभी मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ जो मैंने लिया है। तो ये जो था ये फ्रिस लुक का लेंस है, ये जो है ये है वन डे कलर लेंस, और ये ग्रे कलर में है। तो मैं हेजल और ब्लू भी लेने वाली थी, बट अभी मैंने सोचा पहले मैं ग्रे यूज़ करूँ। तो इसमें 10 का क्वांटिटी है, तो मैं दिखाती हूँ 10 किस टाइप में है। तो ये सिंगल सिंगल 10 है, ऐसा नहीं है कि आपको पेयर में 10 मिलने वाले, सेट नहीं है ये देखिए। तो ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, और इसका जो डेट है वो 23 तक है, तो इसको मैं 23 तक यूज़ कर सकती हूँ। तो एक ये है जो मैंने लिया था, और ये फ्रेश लुक का है, और इसका जो पावर है ना वो 0 है, क्योंकि मुझे कोई पावर यूज़ नहीं होता। अगर आपको लगता है आपकी आँखों में मतलब पावर चाहिए, अगर आपको पावर वाला चाहिए तो आपको वो भी कलर में मिल जाएगा, तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैंने 0 वाला लिया है और बाकी भी आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जो मैंने लिया है नेक्स्ट वो है आई लिफ्ट का, ये देख सकते हो आई क्रीम। तो ये आई जेल क्रीम है, तो मैं इसको आप खोल के दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, बहुत ही लाइट है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको बहुत ही ज़्यादा कम लेना है, क्योंकि आप थोड़ा सा लेते ही नहीं, अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये बहुत लाइट है, आप मतलब सोते टाइम इसको यूज़ कर सकते हो, सुबह भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या रहेगा ना कि इसमें कहा तो है कि मतलब डार्क सर्कल्स कम होंगे, और फिर आपके आई में ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इसको, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, बहुत ही लाइट है ये जेल। उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है एले गर्ल का ये कंसीलर। तो ये मैंने चॉकलेट में लिया है, इसमें आपको बाकी कलर्स भी मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, तो आप देख सकते हो। तो ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर है, और इन सब का प्राइस भी आपको साइड में दिख रहा होगा, और इसको मैंने यूज़ किया हुआ है आज, तो आप यहाँ पर देखिए ये इस टाइप का है। तो ये मैंने ब्राउन में लिया, आपको इससे लाइट में भी मिल जाएगा, इससे डार्क में, इस डार्क तो यही है सबसे डार्क ब्राउन में यही है, इससे लाइट आपको मिल जाएगा, और फिर आपको बाकी कलर्स भी मिल जाएंगे इसमें, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने लिया है वो आईलाइनर है, तो ये पेंसिल वाला लाइनर है, तो आप देख सकते हो ये जो है ये मालियो करके लिखा हुआ है, ऑटो कोल काजल आईलाइनर पेंसिल। तो ये जो है इसको मैंने अभी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो मैंने ये यूज़ किया है, और मैं कब से मतलब ये ढूंढ रही थी कि मतलब मुझे थोड़ा सा डार्क वाइट में चाहिए और थोड़ा सस्ते में भी चाहिए, मैं एक ही बार में इतना महंगा नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब सस्ते में देखा, तो फिर मुझे ये दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक बार ट्राई कर लूँ कि ये कैसा होता है। तो आप देख सकते हो, आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, तो आप देखें। उसके बाद जो मैंने लास्ट लिया है वो मतलब इतना अच्छा आया है, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा आया है वो प्रोडक्ट। तो ये जो है ये इमेजिक का आपको आई शेडो मिलेगा, और इसमें आपको बड़े में छोटे में सब मिलने वाला, और कलर भी है। तो ये 16 कलर का आई शेडो पैलेट है, तो आप देख सकते हो, और इसकी जो पैकेजिंग थी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और ये इतना मतलब मुझे लगा था बहुत बड़ा होगा, ये बड़ा भी नहीं है, छोटा सा भी, आप इसको कैरी भी कर सकते हो। तो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ अभी आपको, तो ये देखिए 16 कलर्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको सीमर और मैट दोनों मिलने वाले हैं। तो इसके कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, और इनके पिगमेंट तो मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा है ना इनका पिगमेंट, बहुत ही ज़्यादा सही है। तो इसको मैं आपको एक कलर दिखा देती हूँ, तो एक ब्लैक दिखाती हूँ, और एक सीमर में आपको चॉकलेट वाला दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो हाथ में कितना ज़्यादा आ गया, ब्रश में भी उतना ही आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ में ही आएगा,
तो आप देख सकते हैं इनका पिगमेंट इतना अच्छा है ना, मतलब मैंने जो लिया था मैं वो बड़ा वाला ले रही थी, बट प्रॉब्लम क्या हो गया था कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर ये छोटा वाला ले लिया। अब जब वो आएगा तो मैं उसको भी ट्राई करने का सोच रही हूँ, क्योंकि इनका मुझे ना मतलब पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि अलग से मैं आपको इसका फुल रिव्यू और डेमो दे दूँ कि ये कैसा है, तो आप वेट कीजिएगा वीडियो के लिए। तो इतना ही था जो मैंने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लिया था। तो स्टार्टिंग में मैंने जो दिखाया वो हाफ मेरी सिस्टर ने लिया है, उसके जो हाफ है वो मैंने लिया है। अभी अमेज़ॉन में ऑफर्स भी आने वाले हैं क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं, और जब भी फेस्टिवल आते हैं ना सारे ऐप में ऑफर्स आते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इनके प्राइस और भी कम मिलने वाले हैं। और ये सब प्रोडक्ट तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, और ये मतलब डेली यूज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सही है, इतना मतलब महंगा भी नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको ले सकते हो। और इन सब का लिंक जैसे कि मैंने कहा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।